आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जो उर्दू में अभी तक नहीं आई है। मुझे कुछ व्यूअर्स ने बहुत पहले ही कहा था कि इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करें। अगर इस सीरीज़ को आप लोगों ने पसंद किया तो ये चलती रहेगी, नहीं तो बंद करनी पड़ेगी। सीरीज़ का नाम है याली कापकीनी, यानी गोल्डन बॉय। आई विश कि उर्दू में अगर ये सीरियल डब हो तो इसका नाम हो सुनहरा तितला। सुना है कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। सीरीज स्टार्ट होती है रात के अंधेरे में। एक लड़की किसी बड़े से घर के छत से होकर एक कमरे में घुस गई और बेड पे सो गई, जहां पास ही में एक लड़का ऑलरेडी सो रहा है। देख के लग रहा है लड़की बहुत नर्वस है, शायद कुछ गलत करके आ रही है। अब सुबह होने को है। कोरहान फैमिली के लोग सब सो रहे हैं, लेकिन घर के सर्वेंट्स सब काम पे लग गए हैं। पहले सर्वेंट्स में से मेन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। इनका नाम है लतीफ़, पूरे घर का निज़ाम यही संभालते हैं। यह है सुल्तान, जो अपनी बेटी और बेटे के साथ यही काम करती है। सुबह होते होते सब किरदारों को दिखाया जाता है। यह घर का बॉस मिस्टर हालिस। अचानक एक औरत पुलिस के साथ उनके घर पे आके चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे घर का लड़का फेरित ने मेरी बेटी को किडनैप करके रखा हुआ है। घर के सर्वेंट्स में भगदड़ मच जाती है। सुल्तान एक और सर्वेंट को जगाती है जिसका नाम है आबिदिन। वो फेरित के साथ रहता है। उनके बातों से समझ आता है कि फेरित हमेशा से ही ऐसा था, हर रोज़ नई लड़की घर ला के इंजॉय करता है। घर का सेकेंड जनरेशन यानी ओरहान और उसकी बीवी गुलगुयन को खबर मिलती है और वो लोग भी डरते हुए बाहर आते हैं। इसका मतलब इसका नाम है ओरहान कोरहान। वाह, दरअसल फेरित इन्हीं का बेटा है। अब हालिस बाहर आता है और जब उसे पता चलता है कि फेरित ने यह सब किया है, घर सर पे उठा लेता है। अब ये फेरित है कौन? आखिर में लतीफ़ जाता है चेक करने कि फेरित अकेला है कि नहीं, और अंदर जाके देखता है उसी लड़की को जो रात के वक्त छत टाप के आई थी। वो फेरित के बगल में सोई है और ये है फेरित, जो है हीरो। फेरित उठ के कहता है, ये कौन है? यानी इस लड़की और इसकी अम्मी ने मिलकर साजिश की है कि फेरित को फंसाना है। पूरा घर डरा हुआ रहता है हालिस के गुस्से से। पुलिस ले जाती है फेरित को, लेकिन ओरहान ने जमानत करवा दी। इनको हैरानी नहीं हुई कि फेरित लड़की को नहीं जानता, क्योंकि वो किसी को भी उठा ले आता है, पर इस बार सच में वो इसे नहीं जानता। यह है फेरित का भाई फुआत और ये इसकी बीवी आसुमान। दोनों बहुत ही प्यार करने वाले कपल है। और यह है इफाकात, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार। यह है ओरहान के मरहूम बड़े भाई की बीवी। हालांकि शौहर नहीं रहा, लेकिन सारे अहम फैसलों में उसका भी उतना ही हाथ होता है जितना हालिस का। यानी इफाकात का सिक्का चलता है, पर क्यों? इसके पीछे बहुत ही अजीब सी बात है, बाद में पता चलेगा। फिलहाल फेरित वापस आ गया है, लेकिन हालिस का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। उसने ऐलान कर दिया, अपने गांव से एक लड़की चूज़ करके फेरित की शादी उससे करवा दी जाएगी। गुलगुयन फेरित को समझाती है, यही करना सही रहेगा तुम्हारे लिए, पर फेरित का दिल टूट जाता है। उसे नहीं करनी शादी, तब मज़े नहीं कर पाएगा ना। लेकिन हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, पेलिन। यानी उसके रहते भी उसकी साइड गर्लफ्रेंड्स भी है। पेलिन का किरदार जो कर रही है उन्हें आप लोग जानते हो, बाद में दिखाती हूँ। अब हमें लेके जाया जाता है हालिस के गांव आंतेप में। पथरीले पहाड़, मिट्टी के घर। यहाँ घर है सैरन का, जो कि हीरोइन है। इसकी मॉम इस्मा, इसकी बहन सुना, उसका डैड काजिम, और ये काजिम की शायद खाला है। काजिम बहुत बुरा बाप है, उसे बेटा चाहिए था, बेटिया हो गई। बीबी को हमेशा सुनाता रहता है इसका। उसके ज़मीन है बहुत सारे, पैसे भी है, खाला के साथ आराम से खाता पीता है, और सारा काम इस्मा, सैरन और सुना करती है। जो बच जाता है खाना वो घर की औरतें खाती है। आज वो बेटियों की शादी की बात कर रहा था। सैरन चिढ़ जाती है, क्योंकि वो पढ़ाकू है, पढ़ाई करके अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है। इंटेलिजेंट है, इसलिए समझती है कि औरतों पे जुल्म हो रहा है। वही सुना जो हो रहा है उसी में खुश है, शादी हो जाए तो बाप से बच जाएगी। बस इस्मा ही सब कुछ चुपचाप सह रही है। यूँ तो काजिम अमीर है, पर कुछ कौड़ी बीवी बच्चियों को दे के शॉपिंग करने जाने कहता है। कहता है सब ट्राई करना पर कुछ खरीदना मत, ताकि लोगों को लगे कि वो लोग सच में अमीर है। वो लोग जाते हैं मार्केट। ये तो बिल्कुल मिडिल ईस्टर्न मार्केट लग रहा है। यहाँ पता चलता है सैरन का बॉयफ्रेंड भी है, यूसुफ, जो उस पर जान छिड़कता है, पर वो उसे भाव नहीं देती। किसी तरह डरते हुए उससे मिलने आई है शॉपिंग के बीच, और बातों से लगता है कि कुछ किताबों को पाने के लिए वो यूसुफ से मिलती है, पर यूसुफ उसे गालों पे किस कर लेता है। वो नाराज़ होकर चली जाती है। इधर फेरित इस दुख के वक्त में खुश होने के लिए स्विमिंग पूल में जाता है। वहाँ एक लड़की उसे फॉलो करे जा रही थी। उसके बाद उसे आबिदिन ढूंढता है, पर कहीं नहीं मिलता। वॉशरूम में जाता है तो वहाँ मिल जाता है। उसे इन्फॉर्म करता है कि जो औरत पुलिस लाई थी वो दरअसल पेलिन के घर में काम करती है, शायद वहीं पे तुम्हारे बारे में जान के तुम्हें फंसा के पैसे ऐंठना चाहती थी। चलो सॉल्व हो गया, पर फेरित को क्या, उसे तो कुछ और मिल गया है वॉशरूम के अंदर। एनीवेज फेरित पेलिन से शादी वाली बात शेयर करता है, यानी गाँव की लड़की से ही शादी होगी, पेलिन से नहीं।
और ये है पेलिन। पेलिन परेशान होकर उससे इस बारे में बातें करती है, पर फेरित उसे भाव ही नहीं देता। आज डिनर पे हालिस ने ऐलान कर दिया, इफा कैद जाएगी गांव में लड़की ढूंढने। फेरित गुहार लगाते हैं कि उसकी गलती नहीं थी इन सब में, पर कोई फ़ायदा नहीं। वैसे सुल्तान उसको काफ़ी हौसला देती है, याद रखना ये बात। एनीवेज सुल्तान इफा कैद के लिए काम करती है। देर रात को लतीफ़ इफा कैद को जगाता है ये बताने के लिए कि मिस्टर हालिस को दर्द हो रहा है, आपको याद किया। अच्छा ऐसी बात है, इफाकात मान गई और जब वो अंदर गई तो उसके बेड पे ओरहान लेटा है, यानी इफाकात अपने शौहर के भाई के साथ रिलेशन में है। ओरहान भी गुलगुएन को धोखा दे रहा है। ओरहान इफाकात से पूछता है कि इस वक्त डैड को तुमसे क्या काम है। इफाकात कहती है मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, तुम मेरे शौहर नहीं हो। वो जाती है हालिस के पास और जाते ही कपड़े उतारने लगती है। हालिस रोक लेता है, ओ तो ऐसी बात है, यानी यहाँ भी रिलेशन है इसलिए इफाकात का सिक्का चलता है। इफाकात बस उसकी खातिर करके चली जाती है। इधर आसुमान रोती है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, फुआद उसे संभालता है। आई होप कि फुआद भी कहीं और दाना चुगने ना जाए इस बहाने से। अगली सुबह इफाकात गांव के लिए निकल जाती है और एक लेडी सेरान के फैमिली को खुशखबरी देती है कि हालिस की बहू आपकी बेटी मांगने आने वाली है। काजिम बी लाइक, सूना के दिल में भी लड्डू फूटता है, यानी शहर का लड़का, उसे वैसे भी बचपन से ही शादी करनी थी। वो तो सोशल मीडिया में भी फेरित को स्टॉक करने लगी है। इधर फेरित तो पेलिन के साथ है, नाइट स्पेंड कर चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड रोती रहती है उसके शादी को लेके, पर वो उसे ही डांट देता है। इधर यूसुफ सेहरान को शादी के लिए कहता है, वो भाग जाती है। इफाकात गांव पहुंच जाती है और काजिम की बेटियों को कहा जाता है कि हमाम में जाना होगा। क्यों जाते हैं पता है ना, मैं नहीं बताऊँगी। सेहरान इस रस्म से बहुत गुस्सा होती है। एज सुना बड़ी है तो उसे फेरीद के लिए चुना जाता है उसके घर से। पहले तो काजिम की खाला उसे हमाम में देखती है ताकि बाद में नाक ना कटे। फिर दोनों बहनों के साथ गांव की सारी लड़कियां हमाम में जाती है जहां इफाकात आई हुई है। वहां सब नाचते हैं सेहरान को छोड़ के। इफाकात सेहरान को नोटिस करती है, पर काजिम ने इस लेडी को पैसे खिलाए हुए हैं ताकि इफाकात को सुना को दिखाया जाए। और सुना को इफाकात के सामने लाया जाता है और कपड़े उतार दिए जाते हैं। इफाकात उससे इम्प्रेस हो जाती है। इधर ओरहान फेरीद को बताता है कि लड़की चुन ली गई है। बस यही कहूँगा कि बीवी से नाइंसाफी मत करना जो मैं तुम्हारी अम्मी के साथ करता आया हूँ। फेरीद पूछता है कि आपके कोई सपने नहीं है। ओरहान कहता है कोई फ़ायदा नहीं, हमारी ज़िंदगी इधर ही बंधी है। इधर सुना शादी के सपने देख रही है, उसका डैड खुश होकर उसे पहली बार गले लगाता है। दोनों बहनें हैरान होते हैं। रात को ओरहान गुलगुएन फेरित और आबिदीन गांव पहुंचे। फेरित का तो मुंह उतरा हुआ है। सुबह उसको आबिदीन मार्केट ले जाता है और सेहरान को उसकी अम्मी ने पिस्ता वाली कोई डिश ऑर्डर करने के लिए मार्केट भेजा हुआ है। फेरित की फैमिली आ रही है ना, शॉप में घुसते ही गलती से सेहरान के हाथों पिस्ता गिर जाते हैं। वो दुकान वाले लड़के से कहती है मैं समेट देती हूँ, तुम दुकान मालिक को बुला लो। उसी वक्त फेरित आता है और सेहरान को देख के इम्प्रेस हो जाता है। उसे दुकान वाली समझ के पिस्ता मांगने लगता है। सेहरान कहती है क्या बकवास है। फेरित मुस्कुराते हुए कहता है ऐसे बात करते हो तुम लोग। लड़की कहती है जो जैसा है उससे वैसे ही बात करते हैं। लड़का कहता है तुम्हें इस्तांबुल लेके चला जाऊँगा तमीज़ सिखाने के लिए। लड़की डांट देती है। फिर दुकान वाला आके पूछता है कि क्या चाहिए। तब समझ आता है फेरित को कि ये कस्टमर है दुकान वाली नहीं। माफ़ी मांगता है। लड़की बकलावा ऑर्डर करती है कल ले जाने के लिए। फेरित ये बात याद रखता है। लड़की चली गई बिना गिरे हुए पिस्ता को समेट के और फेरित उसी को देखता रह जाता है। अभी बस सुना ने ही फेरित को देखा है, सेहरान ने नहीं। अभी एक बड़े से जगह पे काजिम कोरहान फैमिली से मिलता है। यहाँ पे अभी लड़कियाँ नहीं हैं। काजिम भी लाइक आओ मेरे दामाद इधर आ जाओ, उसके सर पे टीका लगा देता है। फिर वो सब बेली डांस एंजॉय करते हैं। रात को शराब के नशे में आबिदीन के सामने फेरित पिस्ता वाली लड़की के बारे में कुछ बड़बड़ करता है। इधर कोरहान हाउस में सबके एब्सेंस में सुल्तान फेरित के रूम में जाती है। क्या लगता है सफाई करने आई है? नहीं, उसे फेरित पे क्रश है। उसके बेड पे लेटकर उसे फील करती है और सो जाती है। अगली सुबह लतीफ़ उसे जगाता है। डरते हुए सुल्तान बहाना बनाने लगती है, पर लतीफ़ उसे एक थप्पड़ मारता है। कहता है कोई सपने देखने मत लग जाना, तुम्हारी हैसियत नहीं है। सुबह फेरित को आबिदीन बताता है कल किसके बारे में वो बड़बड़ कर रहा था। फेरित को याद आ जाता है तो भागता है उसी दुकान में। सेहरान आके देखती है कि फेरित उसके ऑर्डर किए हुए बकलावा बच्चों में बांट रहा है। सेहरान उसे डांटती है, अरे जालिम मेरे ऑर्डर को तुमने कैसे हाथ लगाया। फेरित कहता है क्या करूँ, तुमसे भाव नहीं मिल रहा था, ऐसे मिल रहा है इसलिए। वो उसे डांटती है तो दुकान वाला आके कहता है तुम्हारा ऑर्डर तो अंदर है। फेरित उस पर हंसता है तो सेहरान कहती है अगली बार अगर मेरे सामने दिखे ना तो पछताने पे मजबूर कर दूंगी। शाम को कोरहान फैमिली काजिम के घर आते हैं।
सब बैठ के बातें करते और सुना डर के मारे कांपने लगती है। इसलिए कावा सेरान के हाथ में देके ऊपर भेजती है, फिर खुद हाथ में लेके अंदर जाती है। सबके सामने थर थर बर्तनों के कांपने की आवाज़ आती है, सब नोटिस करते हैं। सेरान सुना को देखने जाती है और फेरीद को देख लेती है। फेरीद भी देख लेता है, सेरान शॉक्ड, फेरीद खुश हो जाता है। सुना उन्हें किसी तरह सर्व कर देती है, लेकिन जैसे वो अपने बाप को देखती है उसका पैर कारपेट पे अटक जाता है और पूरी ट्रे नीचे गिर जाती है। सब शॉक्ड, सेरान अपने आपा को संभालने आती है। सुना एम्बेरस्ड होकर भाग जाती है और सेरान फर्श को साफ करने लगती है। उसे फेरीद मुस्कुराते हुए देखकर अपने अम्मी से कुछ कहता है कान में, उसकी अम्मी शॉक्ड। बाद में सब आपस में बात करके काजिम से कहते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम आपकी बेटी सेरान को हमारे बेटे फेरीद के लिए मांगते हैं। काजिम झट से मान गया। सेरान और उसकी अम्मी शॉक्ड क्योंकि सुना टूट जाएगी। सेरान तो जम जाती है। उसको फेरीद के साथ खड़ा किया जाता है। फेरीद कहता है अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब क्या करोगी मुझे पछतावा करवाने के लिए। एपिसोड खत्म।